उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 298 नए मामले सामने आए हैं। इनमें देहरादून में 68, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 21, चमोली में 9, हरिद्वार में 38, नैनीताल में 33, पौड़ी गढ़वाल में 2, पिथौरागढ़ में 2, टिहरी गढ़वाल में 30, ऊधम सिंह नगर में 56, उत्तरकाशी में 34 मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों के मरने का आंकड़ा 98 तक पहुंच चुका है। गुरुवार को प्रदेश भर में कुल 194 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब कोरोना के कुल 8,552 मामले हो चुके हैं। इनमें से 5,427 अब तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 98 मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुरुवार को ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने रैपिड एंटीजन किट से जांच कराई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेयर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नगर निगम कार्यालय 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस बारे में मेयर द्वारा खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। मेयर से पहले सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। नैनीताल जिले के सरकारी दफ्तरों में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। नैनीताल जिले के कई अधिकारियों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। गुरुवार को इस लिस्ट में एडीएम और उनके असिस्टेंट का भी नाम जुड़ गया है। दोनों के सैंपल कोरोना रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। प्रशासनिक अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दोनों संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। ACMO डॉक्टर रश्मि पंत ने एडीएम के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित का शव शौचालय में मिलने से हड़कंप मच गया है। रामनगर निवासी मरीज को 1 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जांच के लिए सैंपल लिए गए तो वो कोरोना संक्रमित निकला। बुधवार को अपने बेड में नहीं मिला तो हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने कोरोना संक्रमित की खोज शुरू की, लेकिन गुरुवार को उसकी लाश हॉस्पिटल के शौचालय में मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम तमिल मंथन ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इस मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी है। उन्हें 15 दिनों के भीतर प्रकरण की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मीडिया में इस बारे में पहले से कहा जा रहा था कि सीबीआई इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज करेगी। रिया के अलावा संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरंडा, श्रुति मोदी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पिछले दिनों से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच इस मामले को लेकर तनातनी चल रही थी। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप भी लगाए थे। इसके बाद सीबीआई को ये केस ट्रांसफर हो इसकी गुजारिश की जा रही थी।